नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। अपर पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता में मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में आज 8 मार्च 2018 को महिला सशक्तिकरण को देखते हुए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल व कस्तूरबा धेन ननकार के शिक्षक शिक्षिका शिक्षिका व बच्चों ने प्रतिभाग लिया। गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा फ्लैग मार्च का प्रदर्शन भी किया गया। घोड़े सवार होकर हर्षिका ने फ्लैग मार्च कराया। वहीं कस्तूरबा के बच्चों द्वारा ताइक्वांडो के माध्यम से जूडो कराटे से अपनी सुरक्षा स्वयं करती हैं। प्रचार कस्तूरबा गीता यादव ने कहा कि पहले की अपेक्षा आज महिला सुरक्षित हैं, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं, इसे और बेहतर करने की आवश्यकता एवं पहल आवश्यक है। उस पर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने कहा कि हमारी टीम महिला सुरक्षा को लेकर सदैव तत्पर है और रहेगी, जहाँ जब भी आवश्यकता हो सहयोग ले सकते हैं। महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए, लड़का लड़की एक समान हो या धारणा हम सभी के अंदर होनी चाहिए और यही संदेश का विचार हर किसी के अंदर तक होना चाहिए। सुजीत मौर्य ताइक्वांडो पर शिक्षक ने कहा कि हम सिद्धार्थ नगर के 13 ब्लॉक के 13 कस्तूरबा विद्यालयों में हैं, जिसका समय सीमा मात्र 3 माह है, जो कि इन बच्चियों के लिए पूर्ण नहीं है। इसे 12 माह का समय देना चाहिए और कस्तूरबा ही नहीं, अन्य सरकारी विद्यालयों में होने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य विजय कुमार सिंह, राजेश प्रताप सिंह, शांति थापा, विजय कुमार कस्तूरबा से गीता यादव प्राचार्य, संगीता नीता रूपी, बच्चे प्रिया कामनी वर्मा, महिमा पिंकी वरुण इतिहास, बच्चों ने प्रतिभाग व प्रदर्शन किया। सिद्धार्थनगर से चैनल इंडिया लाइव के लिए श्याम सुंदर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट।